ओ श्री राम राम रामे की रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar, namaskar. Today we read chapter 3 of the Kishkindha Kandam, which has 39 verses. Approaching Sri Rama and Lakshmana in the guise of a merchant and bowing to them, Hanuman inquires of them as to who they were and appraises them of the latter's anxiety to enlist their goodwill. Pleased with the cleverness of Hanuman, Sri Rama compliments him, and with the approval of Sri Rama, Lakshmana gives utterance to the former's desire to secure सुग्रीवास अलायंस। आज हम किष्किंधा कांड के तृतीय सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। में 39 श्लोक हैं। हनुमान जी का श्री राम और लक्ष्मण से वन में आने का कारण पूछना और अपना तथा सुग्रीव का परिचय देना, श्री राम का उनके वचनों की प्रशंसा करके लक्ष्मण को अपनी ओर से बात करने की आज्ञा देना तथा लक्ष्मण द्वारा अपनी प्रार्थना स्वीकृत होने से हनुमान जी का प्रसन्न होना। वचो विज्ञाय हनुमान सुग्रीवस्य महात्मनः पर्वताद्दृश्यमुखात् तु पुप्लुवे यत्र राघवौ। महात्मा सुग्रीव के कथन का तात्पर्य समझकर हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत से उस स्थान की ओर उछलते हुए चले जहां वे दोनों रघुवंशी बंधु विराजमान थे। Receiving respectfully the bidding of the high-souled Sugriva, Hanuman, for his part, jumped from the top of the Rishyamukh hill to the spot where stood Sri Rama and Lakshmana, the two sons of the Raghuvansha. कपिरूपं परित्यज्य हनुमान मारुतात्मजः भिक्षुरूपं ततो भेजे शठबुद्धित्थया कपिहि। पवन कुमार वानर वीर हनुमान ने यह सोचकर कि मेरे इस कपि रूप पर किसी का विश्वास नहीं जम सकता, अपने उस रूप का परित्याग करके भिक्षु सामान्य तपस्वी का रूप धारण कर लिया। Concealing the form of a monkey because of his having a suspicious mind, a monkey as he was, Hanuman, son of the wind god, thereupon assumed the form of a mendicant, a recluse. ततश्च हनुमान वाचा लक्ष्मणया सुमनोज्ञया विनीतवत् उपागम्य राघवौ प्रणिपत्य च आबभाषे च तौ वीरौ यतावत् प्रशंस च संपूज्य विधिवत् वीरौ हनुमान वानरोत्तमः। उवाच कामतो वाक्यं मृदु सत्यपराक्रमौ राजऋषि देव प्रतिमौ तापसौ संशित व्रतौ। तदंतर हनुमान ने विनीत भाव से उन दोनों रघुवंशी वीरों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली मधुर वाणी में उनके साथ वार्तालाप आरंभ किया। वानर शिरोमणि हनुमान ने पहले तो उन दोनों वीरों की यथोचित प्रशंसा की, फिर विधिवत उनका पूजन आदर करके स्वच्छंद रूप से मधुर वाणी में कहा, वीरो आप दोनों सत्य पराक्रमी राज ऋषियों और देवताओं के समान प्रभावशाली तपस्वी तथा कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हो। अच्छा। Approaching the two scions of the Raghuvamsha like a humble man and falling prostrate before them, Hanuman then accosted the aforesaid two heroes in a soft and most pleasing language and duly extolled them, offering due homage to the two heroes according to the scriptural ordinance. Hanuman, the foremost of monkeys, addressed the following gentle words to them according to the desire of Sugriva. How have you two ascetics of remarkable valor, unfailing prowess, most austere vows, and excellent appearance, and resembling a couple of royal sages or gods, come to this region? देशं कथमिमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्णिनौ त्रासयन्तौ मृगगणान् अन्यांश्च वनचारिणः पम्पातीररुहान् वृक्षान्
वीक्षमाणौ समन्ततः इमां नदीं शुभजलां शोभयन्तौ तरस्विनौ धैर्यवन्तौ सुवर्णाभौ कौ युवां चीरवाससौ निःश्वसन्तौ वरभुजौ पीडयन्ताम् इभाः प्रजाः। आपके शरीर की कांति बड़ी सुंदर है, आप दोनों इस वन्य प्रदेश में किस लिए आए हैं? वन में विचरने वाले मृग समूह तथा अन्य जीवों को भी त्रास देते पंपा सरोवर के तटवर्ती वृक्षों को सब ओर से देखते और इस सुंदर जल वाली नदी सरीखी पंपा को सुशोभित करते हुए आप दोनों वेगशाली वीर कौन हैं? आपके अंगों की कांति स्वर्ण के समान प्रकाशित होती है, आप दोनों बड़े धैर्यशाली दिखाई देते हैं, आप दोनों के अंगों पर चीर वस्त्र शोभा पाता है, आप दोनों लंबी सांस खींच रहे हैं, आपकी भुजाएं विशाल है, आप अपने प्रभाव से इन वनों के प्राणियों को पीड़ा दे रहे हैं, बताइए आपका क्या परिचय है? causing fright to the herds of deers and other denizens of the forest, nay, surveying the trees growing on all sides on the brink of the Pampa and lending charm as you do to this lake of sparkling water. Who are you of charming arms and remarkable fortitude? Clad in the bark of trees and possessing a charming complexion and luster, sighing and causing discomfort to these creatures by your very august presence. सिंह विप्रेक्षितौ वीरौ महाबलपराक्रमौ शक्र चापनिभे चापे गृहीत्वा शत्रुनाशनौ श्रीमन्तौ। आप दोनों वीरों की दृष्टि सिंह के समान है, आपके बल और पराक्रम महान है, इंद्रधनुष के समान महान शरासन धारण करके आप शत्रुओं को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। Wielding a pair of bows shining brightly like rainbows, how have you, two heroic jewels among men, visited this region? You who are endowed with the gaze of a lion and are possessed of extraordinary might and prowess are capable of destroying the foes. Shrimantau Rupa Sampannau Vrishabha Shrestha Vikramau Hasti Hastopama Bhujau Dyutimantau Nararishabhau। आप कांतिमान तथा रूपवान हैं, आप विशाल काया सांड के समान मंद गति से चलते हैं, आप दोनों की भुजाएं हाथी की सूंड के समान जान पड़ती हैं, आप मनुष्य में श्रेष्ठ और परम तेजस्वी हैं। You are full of glory and splendor and rich in comeliness, who are distinguished by the noble gait of a bull and arms resembling the proboscis of an elephant. प्रभा पर्वतेन्द्रोऽसौ युवयोः अववासितः राज्यार्हा अमरप्रख्यौ कथं देशम् इहागतौ। आप दोनों की प्रभा से गिरिराज ऋषि मुख जगमगा रहा है, आप लोग देवताओं के समान पराक्रमी और राज्य भोगने के योग्य हैं, भला इस दुर्गम वन प्रदेश में आपका आगमन कैसे संभव हुआ? You who are worthy of sovereignty and shine brightly like the gods, the yonder Rishyamukha, king of the mountains, stands illuminated by your effulgence. Padma Patrekshanau Veerau Jatamandaladharinau Anyonya Sadrishau Veerau Devalokadi Hagathau। आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, आप में वीरता भरी है, आप दोनों अपने मस्तक पर जट मंडल धारण करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के समान है वीरो, क्या आप देवलोक से यहाँ पधारे हैं? Having eyes resembling the petals of a lotus and wearing a rounded mass of matted locks, you two gallant men match each other and are heroes come down to this earth from the celestial world. यदृच्छे एव संप्राप्तौ चंद्रसूर्यौ वसुंधरां विशाल वक्षसौ वीरौ मानुषौ देवरूपिणौ। आप दोनों को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा और सूर्य स्वेच्छा से ही इस भूतल पर उतर आए हैं, आपके वक्षस्थल विशाल है, मनुष्य होकर भी आपके रूप देवताओं के तुल्य हैं। Endowed with a broad chest, you two heroic men possess the exterior of gods. It appears as if the moon god and the sun god have duly reached the earth by the will of providence. सिंहस्कंदौ महोत्साहौ समधाविव गोवृषौ आयाताश्च सुवृत्ताश्च बाघवः परिगोपमाः।
सर्वभूषण भूषार्हा किमर्थं न विभूषिताः उभौ योग्यावहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीम् इमाम् स सागरवनां कृत्स्नां विन्ध्ये विन्ध्यमेरु विभूषिताम् इमे च धनुषी चित्रे श्लक्ष्णे चित्रानुलेपने। आपके कंधे सिंह के समान है, आप में महान उत्साह भरा हुआ है, आप दोनों मद्मत सांडों के समान प्रतीत होते हैं, आपकी भुजाएं विशाल सुंदर गोल गोल हैं और परित के समान सुदृढ़ है। ये समस्त आभूषणों का धारण करने के योग्य हैं, जो भी आपने इन्हें विभूषित क्यों नहीं किया है। मैं तो समझता हूँ कि आप दोनों समुद्रों और वनों से युक्त तथा विंध्य और मेरु आदि पर्वत से विभूषित इस सारी पृथ्वी की रक्षा करने के योग्य हैं। आपकी ये दोनों धनुष विचित्र चिकने तथा अद्भुत अनुलेपन से चित्रित हैं। इन्हें स्वर्ण से विभूषित किया गया है, अतः ये इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहे हैं। Having shoulders resembling those of a lion and possessed of extraordinary vigor, you too look like a pair of bulls in heat. Wherefore have these arms of yours, long and perfectly round and resembling a pair of clubs, have not been artistically adorned, even though they deserve to be embellished with all kinds of gold. I consider you both as fit to protect this entire earth with its oceans and forests, richly adorned with the Vindhyas and the Meru mountains. Nay, these wonderful and charmingly, strangely gilded bows of yours shine like Indra's thunderbolts decorated with gold. Prakashete yatendrasya vajre hema vibhushite sampurnascha shitair vanehi tunascha subadarshanaha। प्राणों का अंत कर देने वाले सर्पों के समान भयंकर तथा प्रकाशमान तीखे बाणों से भरे हुए आप दोनों के तुनीर बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। Besides, filled to capacity with blazing sharp point shafts, capable of ending one's life and dreadful like serpents, these quivers of yours look so charming. जीवितांत करेहि गोरेहि ज्वलद्भिरिव पन्नगेहि महा प्रमाणौ विपुलौ तप्तहाटक भूषणौ। आपकी ये दोनों खड़क बहुत बड़े और विस्तृत हैं, इन्हें पक्के सोने से विभूषित किया गया। ये दोनों केंचुल छोड़कर निकले हुए सर्प के समान शोभा पाते हैं। खड्गौ वेतौ एतौ विराजेते निर्मुक्त भुजगाविव एवं माम परिभाषन्तम् कस्मात् वै न अभिभाषतः। These swords of considerable length and enormous size and decorated with refined gold shine brightly like a pair of serpents that have shed their sloth. But wherefore do you not answer me, even though I am uttering your praises as I have done? Sugrivo nama dharmatma kashit vanara pungavaha viro vinikruto bratra jagat brahmati dukkitaha। वीरों, इस तरह मैं बारंबार आपका परिचय पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ सुग्रीव नामक एक श्रेष्ठ वानर रहते हैं जो बड़े धर्मात्मा और वीर हैं। उनके भाई वाली ने उन्हें घर से निकाल दिया, इसलिए वे अत्यंत दुखी होकर सारे जगत में मारे मारे फिरते हैं। A gallant jewel among monkeys, Sugriva by name, whose mind is set on virtue, roams the earth, afflicted as he is, having been banished by his elder brother. प्राप्तो अहम् प्रेषितस्तेन सुग्रीवेन महात्मना राज्ञा वानर मुख्यानाम् हनुमान नाम वानरः। उन्हीं वानर शिरोमणि के राजा महात्मा सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है, मैं भी वानर जाति का ही हूँ। Sent by that high-minded Sugriva, king of the leaders of monkeys, I, a monkey, Hanuman by name, have sought you. 22 युवाभ्याम सहि धर्मात्मा सुग्रीवः सख्यम इच्छति तस्य माम सचिवम वित्तम वानरम पवनात्मजम। नेक्स्ट रोज भिक्षुरूप प्रतिच्छन्नम सुग्रीव प्रिय कारणात् रश्यमुखाद् इह प्राप्तम कामगम कामचारिणम। धर्मात्मा सुग्रीव, आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं, मुझे आप लोग उन्हीं
का मंत्री समझे, मैं वायु देवता का वानर जातीय पुत्र हूँ, मेरी जहां इच्छा हो जा सकता हूँ और जैसा चाहूँ रूप धारण कर सकता हूँ। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए भिक्षु के रूप में अपने को छिपाकर मैं ऋषि मुख पर्वत से यहाँ पर आया हूँ। The said pious-minded Sugriva actually seeks your friendship. Know me to be his minister, a monkey sprung from the loins of wind god and arrived here from Rishyamukh in order to serve the cause of Sugriva and disguised in the form of a recluse, capable as I am of going wherever I please and assuming any form as I please. एवं उक्त्वा तु हनुमान हनुमांस्तौ वीरौ रामलक्ष्मणौ वाक्यज्ञो वाक्यकुशलः पुनर्नोवाच किंचन। उन दोनों भाई वीरवर राम श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर बातचीत करने में कुशल तथा बात का मन समझने में निपुण हनुमान चुप हो गए, फिर कुछ ना बोले। Having spoken thus to the aforesaid heroes, Sri Rama and Lakshmana, Hanuman, for his part, who understood the true meaning of words and was an adept in expression, said nothing further. एतत् श्रुत्वा वचः तस्य रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत्, प्रहृष्टवदनः श्रीमान् भ्रातरं पार्श्वतः स्थितम्। उनकी यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे अपने बगल में खड़े हुए छोटे भाई लक्ष्मण से इस प्रकार कहने लगे। Hearing the foregoing speech of Hanuman, the glorious Rama, who wore a most cheerful countenance, spoke as follows to his brother Lakshmana, standing by his side. सचिवो अयम् कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः तमेव कांक्षमानस्य ममान्तिकम् इहागतः। सुमित्रा नंदन, मैं महामानस्वी वानर राज सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं के हित की इच्छा से यहाँ मेरे पास आए हैं। He who has arrived here in my presence is a minister of Sugriva, the high-minded chief of monkeys, whom alone I am seeking. तम अभ्यभाष सौमित्रे सुग्रीव सचिवं कपिं वाक्यज्ञं मधुरैहि वाक्यैहि स्नेहयुक्तं अरिंदमम्। लक्ष्मण, इन शत्रु दमन सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान से जो बात के मर्म को समझने वाले हैं, तुम स्नेह पूर्वक मीठी वाणी में बातचीत करो। Answer in sweet words with affection the aforesaid monkey, who is a minister of Sugriva, knows how to speak and is a tamer of foes, O Lakshmana. न ऋग्वेद विनीतस्य न अयजुर्वेद दारिणः न सामवेद विदुषः शक्यम् एवम् विभाषितुम्। जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली हो, जिसने यजुर्वेद का अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। To speak in the way he has done is not possible for one who has not studied Rig Veda with an eye to its meaning, nor memorized the Yajur Veda and has no knowledge of the Sama Veda either. नूनं व्याकरणं कृष्णम् अनेन बहुधा श्रुतं, बहु व्याहरत अनेन न किंचित् अपशब्दितम्। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत सी बातें बोल जाने पर भी इनके मुंह से कोई अशुद्धि नहीं निकली। Surely the entire range of Sanskrit grammar has been studied by him in many ways, as is clear from the fact that nothing has been wrongly worded by him, even though speaking a good deal. न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषः संविदितः क्वचित्। संभाषा के समय इनके मुख नेत्र ललाट मोहे तथा अन्य सब अंगों से भी कोई दोष प्रकट हुआ हो, ऐसा कहीं ज्ञात नहीं हुआ। No fault of expression was noticed anywhere in his face, nor even in his eyes, nor again in his forehead, nor in his eyebrows, nor in any one of his other limbs. अविस्तरम् असंदिग्धम् अविलंबितम् अव्ययतम् उरस्तम् कंटघम् वाक्यम् वर्तते मध्यमस्वरम्। इन्होंने थोड़े में ही बड़ी स्पष्टता के साथ अपना अभिप्राय निवेदन किया है।
उसे समझने में कहीं कोई संदेह नहीं हुआ है। रुक रुक कर अथवा शब्दों या अक्षरों को तोड़ मोड़ कर किसी ऐसे वाक्य का उच्चारण नहीं किया जो सुनने में कन कटु हो। इनकी वाणी हृदय में मध्यम रूप से स्थित है और कंठ से वेखारी रूप में प्रकट होती है। अतः बोलते समय इनकी आवाज ना बहुत धीमी रहती है ना बहुत ऊंची, मध्यम स्वर में ही इन्होंने सब बातें कही हैं। The speech emanating from his bosom and articulated by his throat is marked by absence of prolixity, is unambiguous and unfaltering, and does not make a grating impression on one's ears, uttered as it is in a modulated tone. संस्कार क्रम संपन्नाम अद्भुताम अविलंबिताम उच्चारयति कल्याणी वाचम हृदय हर्षिणी। ये संस्कार और क्रम से संपन्न अद्भुत अविलंबित तथा हृदय को आनंद प्रदान करने वाली कल्याणमयी वाणी का उच्चारण करते हैं। He utters a wholesome, distinct, and remarkable speech, which is grammatically correct, fluent, and delighted to the mind. अनया चित्रया वाचा त्रिस्तान व्यंजनस्तत यथा कस्य नाराध्यते चित्तम उद्यता सेररेरपि। हृदय कंठ और मूर्धा इन तीनों स्थानों द्वारा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होने वाली इनकी इस विचित्र वाणी को सुनकर किसका चित्त प्रसन्न ना होगा। वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस अद्भुत वाणी से बदल सकता है। Whose mind will not be rendered favorable by this wonderful speech, which has its seat in three articulating organs, the bosom, the throat, and the head, to say nothing of the others. The mind, even of an enemy with his sword uplifted, will be made friendly thereby. एवं विदो यस्य दूतो न भवेत् पार्थिवस्य तु सिद्ध्यन्ति हि कथं तस्य कार्याणां गतयो नघ। निष्पाप लक्ष्मण, जिस राजा के पास इनके समान दूत ना हो उसके कार्यों की सिद्धि कैसे हो सकती है। How can the progress of the undertakings of a king in whose service no such envoy exists actually meet with success, O sinless brother? एवं गुणगणैर युक्ता यस्य सिहु कार्य साधकाः तस्य सिद्ध्यन्ति सर्वे अर्था दूतवाक्य प्रचोदिताः। जिसके कार्य साधक दूत ऐसे उत्तम गुणों से युक्त हों उस राजा के सभी मनोरथ दूतों की बातचीत से ही सिद्ध हो जाते हैं। By the very pleading of an envoy, all the objects of a sovereign in whose service there happens to be agents adorned with hosts of such virtues are surely accomplished. एवं उक्तस्तु सौमित्रिहि सुग्रीव सचिवं कपिम अभ्यभाषत वाक्यज्ञो वाक्यज्ञं पवनात्मजम्। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बातचीत की कला जानने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण बात का मर्म समझने वाले पवन कुमार सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान से इस प्रकार बोले। Spoken to in these words by Sri Rama, Lakshmana, son of Sumitra, for his part, who knew how to speak, replied as follows to the monkey, Hanuman, son of the wind god, a minister of Sugriva, who also knew how to speak. Vidita nau guna vidvan sugrivasya mahatmanaha tamev cha avam margavaha sugrivam pravageshwaram। विद्वान महामना सुग्रीव के गुणों हमें ज्ञात हो चुके हैं। हम दोनों भाई वानर राज सुग्रीव की ही खोज में यहाँ आए हैं। The virtues of the high-minded Sugriva are known to us, O learned monkey. We too are looking for the self-same Sugriva, the ruler of monkeys. Yata bravishi hanuman sugriva vachanadi nat sugriva vachanatiha tat tatahi karishyavo vachanat tava sattama। साधु शिरोमणि हनुमान जी, आप सुग्रीव के कथा अनुसार यहाँ आकर जो मैत्री की बात चला रहे हैं वह हमें स्वीकार है। हम आपके कहने से ऐसा कर सकते हैं। ओ एक्सलेंट हनुमान, एज डिजायर्ड बाय सुग्रीवा, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एन अलायंस विथ हिम। तत् तस्य वाक्यम निपुणम निशम्य
प्रहृष्ट रूपः पवनात्मजः कपिः मनः समादाय जयोपपत्तौ सत्यं तदा कर्तुम् इयेष ताभ्याम्। लक्ष्मण के ये स्वीकृति सूचक निपुणता युक्त वचन सुनकर पवन कुमार कपि और हनुमान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुग्रीव की विजय सिद्धि में मन लगाकर उस समय उन दोनों भाइयों के साथ उनकी मित्रता करने की इच्छा की। Having carefully heard the aforesaid reply of Lakshmana and setting his heart on the consummation of Sugriva's triumph, Hanuman the monkey sprung from the loins of the wind god, who wore a most cheerful countenance, sought then and there to negotiate an alliance with the two princes. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किंधाकांडे तृतीयः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अष्ट रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में तीसरा सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 3 in the Kishkinda Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tatulyam Rama Nama Varanane ओम आपदाम पहर्तारम दातारम सर्वसंपदा लोकाभिराम श्री रामम भूयो भूयो नमम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।